गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। हिंदी में हम विराम चिन्ह पाठ पढ़ेंगे, पंक्चुएशन चैप्टर 19 है ये आपका। बच्चों, विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना, ठीक है? अर्थ रुकना होता है। हम लिखते समय या पढ़ते समय या वाक्य के बीच या अंत में जब रुकते हैं, इस रुकने को हम विराम कहते हैं। इस विराम को लिखित भाषा में कुछ चिन्हों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहा जाता है। आप परिभाषा को देख लीजिए। लिखित भाषा में विराम को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले देखिए, पूर्ण विराम फुल स्टॉप, अल्प विराम कॉमा, अर्ध विराम सेमी कॉलन, प्रश्नवाचक साइन ऑफ इंट्रोगेशन, विस्मयोद्गीपातक, विस्मयादिबोधक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, योजक चिन्ह हाइफन, उदाहरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमास, निर्देशक चिन्ह डैश, कोष्ठक चिन्ह ब्रैकेट्स, लाघव चिन्ह एब्रिवेशन, उप विराम चिन्ह कॉलन, त्रुटिपूर्ण चिन्ह साइन ऑफ लेफ्ट लेफ्ट वर्ड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण विराम फुल स्टॉप। वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, वह स्कूल जाता है, आज बुधवार है, साधारण वाक्य है। प्रश्नवाचक छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, अल्प विराम कॉमा। वाक्य में जहां बहुत ही कम समय के लिए रुकना हो, वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। सुनीता कौमा तमन्ना और सरिता घूमने गए। दूसरा, मैं हिंदी संस्कृत और पंजाबी पंजाबी और अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, अर्ध विराम सेमी कॉलन। जिस वाक्य में अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक रुकना पड़ता है, वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे, मौसम बड़ा सुहावना था, मंद मंद हवा चल रही थी, फूल भी भंवरों पर मंडरा रहे थे, सभी आनंद विभोर हो रहे थे। मुझे जूते, चप्पल, पैंट, कमीज और टाई आदि चाहिए। अब प्रश्नवाचक शून्य साइन ऑफ चिन्ह साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क। जिस वाक्य में कुछ पूछा जाता है, उन वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, अकबर कौन था। अब विस्मयादिबोधक चिन्ह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जहां संबोधन हर्ष, आश्चर्य, शोक और घृणा के भाव को प्रकट हो, वहां वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, हे प्रभु मेरी सहायता करो, ठीक है, आह कल छुट्टी है, अरे तुम क्या कर रहे हो। ये सब क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब योजक चिन्ह हाइफ़न। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्द को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे, माता पिता, पिता पुत्र, भाई बहन, साथ साथ, दिन रात, ठीक है, और नहीं लगता, ये हाइफन लगता है। अब उदाहरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमास। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों रखते हो, वहां उदाहरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इन्वर्टेड कॉमास, तुम मुझे आजादी दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महात्मा गांधी जी ने कहा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अब निर्देशक चिन्ह डैश। किसी वाक्य को लिखने के पहले कहना, बोलना अथवा क्रियाओं के बाद निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, पिताजी, बेटा तुम क्या कर रहे हो। राकेश ने कहा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। अब कोष्ठक चिन्ह ब्रैकेट्स। समानता कोष्ठक चिन्ह वह शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कथन के संबंधित होते हुए उसका अंग नहीं होते। जैसे, आजकल भवन निर्माण सामग्री ईटा लोहा आदि बहुत महंगी हो गई है। लाघव चिन्ह एब्रिवेशन। ये देखिए,
शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लागव चिन्ह का प्रयोग कहते हैं। जैसे देखिए हम लोग डॉक्टर लिखने के लिए डा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को संघ को आप ऐसे लिखते हैं, प्रोफेसर को ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से। अब उपविराम चिन्ह कॉलन, जहां पर किसी बात को अलग करके दिखाना हो वहां उपविराम चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। ठीक है, अब त्रुटि पूर्वक चिन्ह, साइन ऑफ स्क्रेट्रो, जिस चिन्ह का प्रयोग शब्द या शब्दांत के छूट जाने पर किया जाता है, उसे लिखने के लिए उस पर लिखने के लिए किया, जैसे कुत्ते को डंडे से मारकर भगा दो। अब ध्यान याद रखने योग्य बातें, लिखित भाषा में हम जहां पर रुकते हैं वहां विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में जहां पर कुछ समय रुकना पड़ता है वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जिस वाक्य में संबोधन, आश्चर्य, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं वहां विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब ये आपके प्रश्न उत्तर जिन्हें आपको कॉपी में करना है। बस मैम क्वेश्चन 2 ही है। हाँ, और ये इसमें देखिए चिन्ह लगा दिए मैंने। ठीक है, और इसी के साथ आपका पाठ 19 समाप्त होता है। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।